गुरुवार को मणिपुर की घटना को लेकर राष्ट्रीय 80 ओबीसी संघर्ष समिति के तत्वाधान में रांची बड़ा पत्थर में रांची थाना तक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया और थाना प्रभारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, मणिपुर के राज्यपाल, जनजाति आयोग नई दिल्ली, मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजेंद्र सिंह टेकाम, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष आदिवासी विकास परिषद, ने कहा कि मणिपुर में आदिवासियों के साथ जो दुर्व्यवहार और महिलाओं के साथ अभद्रता की घटनाएँ हो रही हैं, हम सभी आदिवासी संगठन इसका कड़ा विरोध करते हैं और मणिपुर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इसलिए आपसे इस ज्ञापन के माध्यम से निवेदन है कि उक्त घटना के विरुद्ध अतिशीघ्र कड़े कदम उठाए जाएं। आज जो मणिपुर में विगत कई दिनों से, कई मतलब 3 महीने करीब हो गए लगभग, इसमें SC ST जो दंगा फसाद जो चल रही है और बीच में अभी महिलाओं के साथ जो गलत व्यवहार किया गया, नंगे उनको घुमाया गया और अभी तक सरकार सो रही है, जबकि उसको राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए था लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है और ऐसी सरकार को हम निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री वहाँ इस्तीफा दें और उसी के विरोध में आज बड़े पत्थर से कैंडल मार्च निकाल के यहाँ कलेक्टर हो गए और राष्ट्रपति के नाम किया। आपका नाम? राजेंद्र तेकाम, आदिवासी। सभी सर्व समाज के द्वारा, SC ST OBC संघर्ष समिति के द्वारा आज हम एक सरकार बड़ा पत्थर से एक कैंडल मार्च, मणिपुर की जो घटना है उसके विरोध में आज हम सभी ने कैंडल मार्च का आयोजन किया और उस संदर्भ में हमने आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया, जिसका मुख्य बिंदु था कि वो मणिपुर के जो दरिंदे हैं उनको फांसी दें और नारी को एक न्याय मिले, ऐसी हमने सरकार से गुजारिश की। आपका नाम बताओ? मैं कोमलपुर।